तो बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको नरसिंहपुर से, जहां पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक जालम सिंह पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अपनी ही सरकार को घेर प्रशासन को किया कटघरे में खड़ा। जी हां, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत चल रहा है जिला प्रशासन, ऐसा कहना है विधायक जालम सिंह पटेल का। साथ ही नगर पालिका प्रशासन पर भड़के विधायक जालम सिंह पटेल, मिशन नगरोदय के आयोजन कलेक्टर एवं नगर पालिका अधिकारियों की मौजूदगी में मंच से ही दे डाली चेतावनी। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह ने लगाए प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जी हां, कलेक्टर के प्रशासक बनते ही नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सीएमओ के संरक्षण में चरम पर चल रहा है भ्रष्टाचार, ऐसा कहना है विधायक जालम सिंह पटेल का। विधायक जालम सिंह पटेल ने बताया कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे प्रधानमंत्री आवास पैसे ले सूची में बार बार फेरबदल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लगातार ही इसकी शिकायतें हितग्राहियों द्वारा उनकी जनसुनवाई में उन तक पहुंचाई जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार में कलेक्टर भी थे शामिल, ऐसा भी आरोप जालम सिंह पटेल ने लगाया है। साथ ही आपको बता दें, अवैध उत्खनन के बाद अब नगर पालिका के भ्रष्टाचार पर जालम सिंह का ये करारा प्रहार है। नगर पालिका नरसिंहपुर में जब से हमारी पार्षद यहाँ नहीं है, पार्षद के हमारे अध्यक्ष और पार्षद नहीं है, तब से मैंने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास में भी बहुत सारे लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है उसमें भी फेरबदल हुआ है। कुछ लोगों की सूचना दी गई थी पहले की जानकारी के तौर पर कि उसमें 10,000-15,000 राशि लेकर ऊपर नीचे कर रहे थे। और भ्रष्टाचार तो कोई करे, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। और मैंने देखा कि खासकर जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, मुखिया तो उसी को माने जो सीएमओ है। नगरपालिका के प्रशासक इस समय नरसिंहपुर कलेक्टर दीप प्रकाश है, क्या आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो तो नरसिंहपुर कलेक्टर द्वारा किए जा रहे हैं? उसमें कलेक्टर भी शामिल थे और मैंने मंच में संबोधन किया है। नरसिंहपुर से रेड अलर्ट के लिए विवेक पटेल।